कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के दामाद और कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ सोमवार शाम से लापता हैं। उनकी लास्ट लोकेशन मैंगलोर के पास नेत्रावती नदी पर बने उल्लाल पुल पर मिली थी। पुलिस हेलीकॉप्टर और कोस्ट गार्ड की मदद से उनकी तलाश की जा रही है। सिद्धार्थ के ड्राइवर के बयान के मुताबिक पुलिस को उनके सुसाइड की आशंका है। पुलिस का मानना है कि वीजी सिद्धार्थ ने पुल से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली है। ऐसे में पुलिस नदी में गहन सर्च अभियान चला रही है। आखिरी बार सिद्धार्थ कब दिखाई दिए? बताया जा रहा है कि कैफे कॉफी डे के मालिक सिद्धार्थ 29 जुलाई को मैंगलुरु आ रहे थे। बीच रास्ते में सिद्धार्थ सोमवार की शाम 6:30 बजे गाड़ी से उतर गए और टहलने लगे। टहलते टहलते वो लापता हो गए। कॉफी किंग वीजी सिद्धार्थ के ड्राइवर के मुताबिक मैंगलोर के पास नेत्रावती नदी पर बने पुल पर उन्होंने कार रुकवाई और कार से उतर गए। ये जगह बेंगलुरु से करीब 375 किलोमीटर दूर है। जब 1 घंटे बाद भी वो लौटे नहीं तो ड्राइवर को फिक्र होने लगी। उसने आसपास अपने मालिक को ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले, जिसके बाद ड्राइवर ने परिवार को फोन किया। बाद में परिवार ने पुलिस को खबर दी। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है, डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। जिस पुल से वो गायब हुए हैं उसके करीब 600 मीटर दूरी पर ही समंदर है और सोमवार की रात को हाई टाइड भी आया था। सिद्धार्थ की एक चिट्ठी मिली है जो उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीसीडी फैमिली को लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कंपनी की माली हालत और अपने ऊपर कर्ज का जिक्र किया है। चिट्ठी में वीजी सिद्धार्थ ने अपनी नाकामी के बारे में लिखा है। मैं सीसीडी को प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बनाने में नाकाम रहा। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की, मैंने इसे पूरी जिंदगी दी, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप सबकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। परेशानियों को खत्म करने के लिए मैं लंबे समय से जूझता रहा, मगर अब हिम्मत हार गया हूँ। मुझ में और प्रेशर लेने की ताकत नहीं है। मुझ पर दोस्तों का काफी कर्ज है। कुछ प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स भी मुझे अपने शेयर बेचने का दबाव बना रहे हैं। सीएफओ से कंपनी का ख्याल रखने को कहा। सिद्धार्थ ने आखिरी बार अपनी कंपनी के सीएफओ से 56 सेकंड के लिए बात की थी, जिसमें उन्होंने अपने सीएफओ को कंपनी का ख्याल रखने को कहा था। जिस वक्त वो अपने सीएफओ से फोन पर बात कर रहे थे वो काफी निराश थे। सीएफओ से बात करने के बाद उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए पूरा पुलिस महकमा इस तलाश में जुटा है। दामाद के लापता होने की वजह से एसएम कृष्णा का पूरा परिवार परेशान है। एक तरफ लापता सिद्धार्थ की तलाश में दक्षिण कन्नड़ पुलिस जुटी है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा भी एसएम कृष्णा के आवास पर पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी ली है। लेकिन सिद्धार्थ का लापता होना एक रहस्य बना हुआ है।